मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो चीज़ आज डिस्कस करनी है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, कि पाई बॉन्ड बनता किधर, सबसे जो बेसिक चीज़ें वो याद रखनी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, आधे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका हम ऊपर स्टार एक लगा देते हैं बस। अब इसके बाद हमने देखा ना यहाँ पे पाई बॉन्ड किस तरह बनता है, हेडिंग दे दो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या पाई बॉन्ड बनता किस तरह है अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा तरीका कहा रहा है कि पाई बॉन्ड बनाने का। आपने करना क्या है कि हमेशा याद रखिएगा पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप की वजह से, ये किस वजह से बन रहा है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप कहते हैं जी, आपका इस तरह कोई चीज़ आके मिले, ये ऐसे, इस चीज़ को पैरेलल कहते हैं, इस चीज़ को लाइन वाइज कहते हैं। पैरेलल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, लाइन वाइज ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाय पैरेलल ओवरलैप एंड प्रोबेबिलिटी, और जो इम्कानात होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, इम्कानात होते हैं, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये ज़्यादातर होते हैं, मैक्सिमम अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस, वो लाइन जो कि दो न्यूक्लियस को जोड़ रही होती है, इसके ऊपर ज़्यादातर इम्कानात होंगे, यहाँ पे नीचे ज़्यादातर इम्कानात होते हैं। ये डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, हमने देखा है जी मेन चीज़ पाई बॉन्ड बनता किस तरह है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होगी। सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है जी पैरेलल ओवरलैप की वजह से। एक ऑर्बिटल मेरे पास ये वाला आ गया, इसके साथ ही मैंने PY, मैं सपोज कर लेता हूँ ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, PY। याद रखिएगा जब भी PY के साथ मिलेगा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, हमेशा PY के साथ मिले या PZ के साथ मिले तो हमेशा पाई बॉन्ड बन रहा होता है, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्बिटल बनेंगे, देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसको भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देते हैं, इसको भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनते हैं, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जरा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। सिंपल से काम करना है कि आपका ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, इसको तो मैंने ड्रा कर लिया वहाँ पे, ये देखो ये दो लाइनें मैंने नुक्ते लगा ली हैं। अब करना क्या होता है कि ऊपर वाले लूप को ऊपर वाले लूप से मिलाना है, नीचे वाले लूप को नीचे वाले लूप से मिलाना है। जैसे ही मिलाओगे तो हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले लूप को ऊपर वाले लूप से मिला दिया, नीचे वाले लूप को नीचे वाले लूप से मिला दिया, और हमारे पास ओवरलैपिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी, किस तरह की, हमारे पास कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग हो जाती है। अब इसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कि ये वाला लूप इस लूप को रिपेल करता है, ये वाला लूप इस लूप को रिपेल करता है, दूर दूर करता है। जैसे ये वाला काम होगा आपके, ये वाला काम यहाँ पे हो जाएगा, एक लूप इस साइड में, एक लूप इस साइड में, एक लूप इस साइड में, और एक लूप इस तरह, ये हमारे पास कुछ चीज़ हो जाती है, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये लूप इस साइड पे चला गया, इन दोनों रिपेल किया, ये ऐसे हो गया, सेम काम यहाँ पे, इन दोनों रिपेल किया, ये ऐसे हो गया, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये था जी हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड बनता है किस तरह है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आगे समझने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं, अगर वही डेफिनेशन आपने याद करनी है, और याद रखिए जो पाई बॉन्ड, वहाँ हम दो तीन बातें कही थी कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड होता है वो मोर डिफ्यूजेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये चंद एक बातें आपने ज़्यादा लाजमी याद रखनी है हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।